Next speaker is Shrimati Kahkashan Perween. 5 minutes. बहुत बहुत शुक्रिया उपसभा अध्यक्ष महोदय. सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ. इस बिल का समर्थन इसलिए करती हूँ कि इस बिल में उन बच्चों के भविष्य जुड़े हुए हैं जिनके साथ घटनाएं घटती हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा और जो वहशी हैं उनको कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है. माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया इनकी सोच ये रही कि चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए और वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए. इसी वहशियों के किस्से को तमाम करने के लिए बिल इन्होंने लाया है. इस बिल में और उद्देश्य में माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकारा है कि 2012 में राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट जो थी उसके मुताबिक 2012-13 में 44% और 2013-14 में 178.6% की वृद्धि हुई है. इसको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं और इसमें जो धाराएं हैं धारा 15 में भी जो सजा का प्रावधान किया गया है, मैं उन सारी बातों की चर्चा नहीं करना चाहती हूँ कि वक्त बहुत कम हमारा है. महोदया, ये बात सभी लोगों ने कहा कि कानून सख्त बनाए जाएं और दोषियों को सजा मिले. मेरे जहन में एक सवाल आ रही थी कि 2012 में भी कानून बने और आज हम उसको संशोधन भी कर रहे हैं. आखिर क्या हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारे समाज में शिक्षा और समाज में क्या कमी रह गई है कि इन नैतिकता जैसे विषय को आज हम कानून से ही हम लगाम लगाने की बात कर रहे हैं? हम नैतिकता के पाठ में कहाँ कमी रह गई है? मैं अभी माननीय मंत्री जी ने जब अपना कल मूव किया था तो उन्होंने बताया था कि केरल में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ गलत किया. आज हमारा रिश्ता, हम अपने बच्चों को किसी के साथ नहीं छोड़ सकते. हमारा रिश्ता जो है वो कहीं पाक नहीं रह पा रहा है. हमें डर सा माहौल बना हुआ है. इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे जो लगती है कि जब ये भी कहा गया है कि जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलता है उसका पतन होता है. कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं. अभी अखबार में कुछ दिन पहले सेशन के दरमियान ही मैंने अखबार में पढ़ा था और इस बात को मैंने सोचा कि मैं उठाऊंगी, लेकिन आज मुझे उठाने का मौका मिला कि एक स्कूल में कहीं छेड़खानी के मामले हुए तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने ये फैसला लिया कि सप्ते में 3 दिन लड़कियों को और सप्ते में 3 दिन लड़कों को पढ़ाया जाएगा. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल साहब ने ये फैसला क्यों लिया? क्या समाज को वो किस तरह का निर्माण करना चाहते हैं? जो कि बच्चे उनके पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो हमारे भविष्य हैं और भविष्य को ही इतना कमज़ोर कर दिया जा रहा है तो हम एक मजबूत इमारत कैसे खड़ी कर सकेंगे? मैं उस गुरु से पूछना चाहती हूँ कि गुरु का काम होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना. आप ऐसा निर्णय करके प्रकाश से अंधकार की ओर हमारे बच्चों को क्यों धकेल रहे हैं? हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा की आखिरी संबोधन में कहा था, संविधान हमें तंत्र दे सकता है, हमें न्यायपालिका दे सकता है, विधायिका दे सकता है, कार्यपालिका दे सकता है, लेकिन जिन कारकों पर इसकी मजबूती निर्भर करेगी वो नैतिकता जनमानस के रास्ते से गुजरेगी. ये उन्होंने कहा था. अतः हम कह सकते हैं नैतिकता का विकास सफलता का अभिन्न अंग है. महोदया, जो कानून बनते हैं ये ठीक बात है कि कानून बना लेते हैं और इसको कहीं ना कहीं जो हर तरह से मजबूत लोग होते हैं वो इसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन दबे कुचले का क्या होगा?
जब कोई भी घटनाएं शहर में घटती हैं, तो सोशल मीडिया में इस तरह से वायरल होता है कि सारे लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध करते हैं, लेकिन गांव के दबे कुचले लोग इसका विरोध नहीं कर पाते। उनके अंदर हम मजबूती कैसे लाएं? मैं माननीय मंत्री महोदया, मैं एक सुझाव के रूप में देना चाहती हूँ, वो ये है कि जिस गांव की औरतें होती हैं वो अखबार नहीं पढ़ा करती। महोदय, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, चूंकि गांव की हूँ, समाज जिस गांव से आती हूँ, वहां दबे कुचलों को हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। वो अपने यहाँ जो औरतें होती हैं, ना वो अखबार पढ़ती हैं और ना टीवी चैनलों की न्यूज देखती हैं, लेकिन मर्द जो होते हैं वो सुबह में चाय खाने में जाकर या शाम में चाय खाने में जाकर टीवी को देख लेते हैं, न्यूज देख लेते हैं या फिर अखबार की बातें जान लेते हैं, लेकिन औरतों तक जिनके साथ घटनाएं घट रही हैं उनको जानकारी कैसी होगी? महोदया, मैं बचपन में जो एक सीरियल है बालिका वधू, जो कलर्स चैनल में आया करता था, जब उसकी समाप्ति होती थी तो कोई ना कोई कानूनी सलाह उसमें दी जाती थी। मैं माननीय मंत्री जी से कहती हूँ कि हम कानून बना लें, जितने भी सख्त कानून बना लें, लेकिन जब तक हम जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे और लोगों को सजग नहीं करेंगे और अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति को अगर हम नहीं जगाएंगे, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए आप ये आप हम लोगों को क्या, बल्कि आप ये कीजिए कि ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय से आप बात करेंगी और जितने भी धारावाहिक हो, चूंकि औरतें सिनेमा नहीं देखती हैं, ज्यादातर औरतें जो हैं आजकल जो सास बहू की जो सीरियल आते हैं उसे बहुत ज्यादा देखती हैं, आप उन सीरियलों के समाप्ति के बाद एक ये करें कि हमेशा कानूनी सलाह दी जाए। मैं आखिर में एक बात ये कहकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कानून से समाज का नियंत्रण कम से कम हो। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।